हाई कोर्ट गया था नहीं 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 आपको साहब जब भी स्पेशल ऑडिट करवाया उत्तर प्रदेश ये देखें ये कोर्ट की बातें हैं ये कोर्ट की बातें हैं ब्रेडर सजा को कर दें फ्रेंडली ऑडिट नहीं स्पेशल ऑडिट करवाया था जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने करवाया ये जो फ्रेंसिक ऑडिट हुआ है ये ओलंपियंस के मुताबिक है जो लाहौर में कराची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक है सेक्टर स्पोर्ट्स ने करवाया और वो अभी जारी है और वो हो रहा है मैं यही बात कर रहा हूँ कि अदारे हमारे जान रहे होते हैं इस तरह नहीं होता कोई कोई ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने कुछ गलत किया है तो वो अकाउंटेबल ना हो ये होता है या आज जो तब्दीली आई है ना ये यहीं से आपको समझ जाना चाहिए सो रेस्ट श्योर कि हर चीज में महफूज है कुछ नहीं होने जा रहा इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सारे काम होंगे हम ओलंपिक क्वालिफाई काउंट भी खेलेंगे और आने वाले तमाम जो इंगेजमेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान भी इंशाल्लाह शिरकत करेगी और भरपूर अंदाज में शिरकत करेगी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी हम बेहतर करेंगे और उस पर भी तवज्जो देंगे ये काफ़ी आपकी एसोसिएशन का जो मसला है ये मुझे लग रहा है हॉकी वालों में कम और मीडिया में ज्यादा लग रहा है मुझे बिल्कुल ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दोनों को मेरे साथ एक मैच है और एक ऐसा हल निकाला जाएगा जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जो है वो इंशाल्लाह खुश होंगे ये मैं आपको यकीन दिला चलो ये प्लेयर करने फंड ना होंगे लेकिन फंड होंगे इंशाल्लाह बाय द टाइम ये आएगी फंड्स होंगे देखें जो बेस्ट होगा पाकिस्तान हॉकी के लिए मुझे बैट कर देता है तो फिर मैं प्रॉपर अपना प्लान लेके आऊँगा हॉकी पे किस तरह हमें ये काम करना है किस तरह इसको लेके चलना है विद अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड प्रेसिडेंट वो सब करके तो फिर मैं आपके सामने पेश करूँगा अभी तो मैंने फिलहाल बताया कि व्हाट शैल वी डू हमें करना क्या चाहिए हॉकी में हॉकी फेडरेशन को कैसे आगे लेके जाना है उन चीज़ों को कैसे मैंने बड़ी आउटलाइन आपको बता दी है वो डिटेल प्लान जो है वो इंशाल्लाह तआला आने वाले दिनों में आपसे शेयर करूँगा और यहाँ पे मैंने आपको फिर बता दिया कि मेरे दरवाजे तमाम दोस्तों के खुले और एक ऐसा हल तलाश किया जाएगा कि तमाम स्टेक होल्डर मुस्लिम लोग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे I'm meeting President Sir tomorrow inshallah ta'ala to uske baad do you have any plan to contact with other players ji mere sir raabte mein hain acha bhai sir ye bataiye chal rahe hain सर ये बताइए कि हॉकी लीग हम खेलने रहेंगे जो खर्चा हमारा होना था उससे ज़्यादा हमें जुर्माना कर दिया गया अब फेडरेशन के पास फंड्स भी नहीं है तो किस तरीके से इसको टैकल करेंगे क्या बात करेंगे या जुर्माना देना है देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई हाल होता है जो चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आपको जुर्माना देना है तो आपको जुर्माना देना है तो आप अवॉइड नहीं करेंगे या उसकी कोई कीमत होगी यू हैव टू पे दैट प्राइस वी हैव टू सी मैं अभी आया हूँ मैं बद्रा साहब से बात करूँगा कॉम्पिटिशन कमेटी में बात करूँगा मैं खुद मेम्बर रहा हूँ कॉम्पिटिशन कमेटी का मुझे पता है हाउ इट वर्क्स तो वो इंशाल्लाह शॉर्ट इट आउट अल्लाह ताला खैर करेगा एक गलती हुई है पाकिस्तान फेडरेशन से और इस लेवल पे फेडरेशन गलतियाँ नहीं करती एक अहम चीज़ थी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जिसको मेरा ख्याल है एक रेवोल्यूशनरी स्टेप दिया कहा जा रहा है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का उसमें से अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क बाहर जाएगा तो लोगों के स्टेक्स पे फर्क आएगा तो ये चीज़ें हुई हैं इनको इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे अभी हम कॉन्ट्रेक्ट प्रेजेंटेशन इन एशिया एंड इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अगर किसी भी किस्म की कोई इस तरह की हरकत होती है तो अदारे हमेशा हरकत में आते हैं अदारे ऑडिट भी करते हैं फ्रेंसिक ऑडिट भी होता है और मेरा ख्याल है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से बड़ा अदारा है इस मुल्क में कोई अगर किसी किस्म की कोई इस किस्म की कोई चीज़ हुई है तो वो ऑडिट में सामने आ जाती होगी अब होता यह है कि एक मुतालबा किया गया कि इनका ऑडिट किया जाए तो वो ऑडिट हो चुका है और फ्रेंसिक ऑडिट हुआ है स्पेशल ऑडिट से भी एक आगे का स्टेप है जिसको हम फ्रेंसिक ऑडिट कहते हैं वो हो गया है तो ओलंपियंस के भी मुतालबात मान लिए गए हैं
मेरा ख्याल इस चैप्टर को आप क्लोज कर देना चाहिए और देखना चाहिए जो फ्रेंडली कॉन्टेंट के रिजल्ट क्या है। सर अभी तो चल रहे हैं हफ्ते के बाद जी, वही मैं कह रहा हूँ इसको चलने देना चाहिए और उसके रिजल्ट के बाद ये बात करनी चाहिए। आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है? मैंने अभी कहा है कि हजारे काम कर रहे हैं, हजारों की रिपोर्ट बनती है और उन हजारों में हर चीज जो है वो पानी का पानी और दूध का दूध होता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जी, शॉर्ट टर्म तो यही है कि हम इंशाल्लाह ताला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हल करना चाहते हैं और जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें हम अपनी टीम भेजेंगे। चूंकि वर्ल्ड कप आ रहा है कॉर्डिनेट उसकी तैयारी कर दी है हमने, ठीक है, हम क्वालिफाइड आ रहे हैं उसकी तैयारी जी। मैंने कहा है नेशनल चैंपियनशिप भाई ये देख के, मैंने सबसे पहले नेशनल चैंपियनशिप की बात की है कि पैदल जो माजी में जिन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया या किया है, जो भी काम करना चाहेगा पाकिस्तान हॉकी में उसको उसकी एबिलिटी के मुताबिक उसकी सलाहियत के मुताबिक इंशाल्लाह ताला उसको जगह दी जाएगी। पाकिस्तान हॉकी में इंशाल्लाह ताला मेरिट का नफाज होगा, हर चीज जो है वो मेरिट पे की जाएगी और हर असाइनमेंट को अकाउंटेबल किया जाएगा, हर इंडिविजुअल को अकाउंटेबल किया जाएगा, टारगेटेड असाइनमेंट दी जाएगी और उस पर जवाब तलब किया जाएगा। मेरी ये कोशिश होगी कि जो भी असाइनमेंट दी जाए उसके साथ टारगेट मीडिया से शेयर किया जाए ताकि उनकी याददाश्त रहे अगर कोई असाइनमेंट किसी को मिली है तो किस टारगेट के साथ मिली है। मैं कोशिश करूंगा कि उनको पूरा फैसिलिटेट करूँ और आप कोशिश कीजिए कि उनको पूरी नजर रखें कि आया वो अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। फेडरेशन ने मुझे अभी अपॉइंट किया है पाकिस्तान वर्क फेडरेशन का सेक्रेटरी और इसको हम वेट करेंगे थ्रू एग्जीक्यूटिव बोर्ड और देन कमिंग जो कांग्रेस होगी उसमें भी। आज इस जगह पर हम हॉकी में खड़े हैं ये किसी से ढकी जो भी बात नहीं है। आज हम वर्ल्ड रैंकिंग में 12वें नंबर पे हैं और हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। मेरा ख्याल है कुछ डेढ़ दो साल से नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं हुई है। ये एक ऐसी अपने टास्क है, कितना बड़ा चैलेंज है जो मैंने एक्सेप्ट किया है। मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं आराम से घर बैठा रहता और ये देखता रहता कि हॉकी मजीद तरक्की का शिकार होती है। मैंने ये समझा है कि अगर जिंदगी में कोई बेहतरीन वक्त है इस मुल्क को इस हॉकी को वापस करने का तो ये वाला है। आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे और आप दिखाएंगे भी इंशाल्लाह ताला पूरी कौम को कि आज जहां से ये सफर शुरू हुआ है आज के बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में हॉकी की बेहतरी का सफर। मेजर मेरा कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक अदारा है जो 1947 से बना हुआ है, इसमें अब स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये अदारा वैसे काम नहीं कर सकता, इसमें हम मेजर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे ताकि अदारा हमारा इतना मजबूत हो जाए कि किसी के आने जाने से किसी को फर्क ना पड़े, लोग इम्पोर्टेंट ना हो हमारा अदारा इम्पोर्टेंट बन जाए, कोई आए कोई जाए हमारी पॉलिसियां हमारा तसलसल जो है वो कायम रहना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी चेंज आती है तब्दीली आती है तो वो नए सिरे से स्टार्ट लेना शुरू कर देते हैं और हम एक तय किया हुआ सफर जो है दोबारा जीरो से शुरू करने की कोशिश करते हैं, जो मेरे ख्याल में एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है और एक मेजर रीजन है पाकिस्तान हॉकी की तरफ का कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है इस तरह। हर बंदा आके अपनी तरह से कोशिश करने की वो शुरू करता है और हम दोबारा एक नया सफर शुरू कर देते हैं। हर चार साल बाद यहाँ सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन जो है वो टीम का कोच मैनेजर भी होगा, सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन जो है फाइनेंस का भी एक्सपर्ट होगा। सो अब पावर्स जो है वो डेलीगेट की जाएंगी, अदारे बनाए जाएंगे और पावर्स को डेलीगेट किया जाएगा। ये मेरी एक सोच है और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में अपनी सोच पे अभी जमा कराऊ और इसको पूरा करूं, क्योंकि ये अगर हमें अब ऐसा ना किया तो हम बाकी दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे।
पहले बहुत पीछे हैं और हम और ज्यादा तरक्की का शिकार हूँ। तीसरा अहम नुकता जो मैंने लाहौर में निकाला था आपसे भी शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से इधर आपसे वादा है कि हॉकी ओलंपियंस की, हॉकी प्लेयर्स की और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, हॉकी के शायकीन की, हॉकी देखने वालों की इज्जत बहाल की जाएगी। किसी पे कोई मर्ड स्लिंगिंग पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिस से नहीं की जाए, ये मेरा आपसे वादा है। माजी में ये गलतियां लोग करते रहे, आज के बाद इस ऑफिस से किसी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर की तस्दीक नहीं की जाए। ओलंपियंस हमारे सर का ताज है, हॉकी प्लेयर हमारे सर का ताज है और वो सर का ताज बन के रहेंगे। आपको याद है पाकिस्तान लास्ट एशिया कप कब जीता, किसी को याद है? 1989 में आप लोग पहला भी नहीं हुए, कई लोग पहला भी हुए थे। 1989 में हम एशिया कप जीते हैं, 1989 में, आज 30 साल हो गए हम एशिया कप नहीं जीत सके, ये आसान काम नहीं है। अच्छा ये इस तरह नहीं होता, चैंपियंस ट्रॉफी हम 94 वाली लास्ट जीते हुए, वर्ल्ड कप हम 94 में जीते और ओलंपिक 84 का जीते हुए। खुदा करके चीजों को समझने की कोशिश और उनसे रिक्वेस्ट करोगे क्योंकि बाबा डेलीगेट हो गई है सुबह को, तो आप अपना अपना हिस्सा नेशनल गेम के लिए डालें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस कौमी खेल में, इस नेक फ्रीडम में चारों वज़रा हमारा साथ देंगे और हमें जरूर एनुअल ग्रांट मिलेगी उनसे, और इसके अलावा हम मार्केटिंग का शोभा तैयार करेंगे जो मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स को इंकल्केट करेगा। लेकिन उससे पहले ये शर्त है कि हम अपनी जो गेम है उसको एक प्रोडक्ट बनाएं। जमाली के साथ मैंने काम किया, जवेद अजीज साहब के साथ मैंने काम किया, कासिम खान के साथ मैंने काम किया, चौधरी अख्तर सूर के साथ। जितने पैसे ब्रिगेडियर खालिद सजाद होकर पाकिस्तान हॉकी के लिए लाया किसी प्रेसिडेंट ने इतने पैसे नहीं ला कर दिए, ये उसको क्रेडिट जाता है। यार प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? पैटनाइज करना, उसको फेडरेशन को पैटनाइज करना, जो वो काम करना चाहती है, जो वो प्लान करना चाहती है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फंड्स मुहैया करना। वो तमाम फंड्स ब्रिगेडियर साहब ने ला के दिए फेडरेशन को, कि ये बदकिस्मती है कि उनका जो ऑफिस है जो नीचे लोग हैं वो डिलीवर नहीं कर सकते, ये बदकिस्मती होती है पाकिस्तान की, उनकी भी हुई है पाकिस्तान की। मैं शोर करवाता हूँ इंशाल्लाह ताला कि इंशाल्लाह यही फेडरेशन आपको और इस पाकिस्तान हॉकी को बुलंदी होता देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात हुई है कराची में, आप आए हैं कराची में, काफी सारे ओलंपियन हैं दोस्तों से, और दूसरा ये कि दूसरा ये क्वेश्चन है मेरा कि आप एक आपने विजन 2020 का एक प्लान दिया था, तो आप क्या समझते हैं कि उस प्लान पर कोई अमल हुआ नहीं हुआ? अगर उस पर अमल होता तो आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता? मैंने जीरो से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि अदारे को ऐसा बनाया जाए कि उसमें जो भी आए उसकी पॉलिसी का तसलसल ना। तो ये मेरा एक मेगा प्लान है कि इस अदारे को इतना पाल बनाना है, इतना प्रोफेशनल बनाना है कि लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक काम चलते रहना। मेरी बातचीत भी हुई है और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला भी जारी रहेगा क्योंकि रमजान है, थोड़े बिजी भी हैं, तो हमारे पास काफी टाइम है इस रहमतों और बरकतों के महीने में कि हम इंशाल्लाह ताला अपने भाइयों को भी इकट्ठा कर लें। आसिफ भाई 2008 में जब आए आप तो मुस्लिम थे, हुकूमत तो नहीं थी, लेकिन वो बात कर दिया, लेकिन उस पर कहा गया कि आपकी पर्ची ख्वाजा आसिफ थे, इस बार आपकी पर्ची कौन है? देखिए बात बात पता क्या होती है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके मुताबिक होते हैं, ये अल्लाह की खास रहमत होती है कि लोगों में लोग किसको आप चूज करते हैं आपके, ठीक है। मैंने आपके साथ काम किया है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, आप दोबारा आए हूँ, आपको समझ आ जाएगी, तारीख फैसला करती होती है। आज
जब मैं गया था तो उसने हॉकी किया थी, आज जब मैं आया तो हॉकी किया, आपको इसका फैसला पहले कर लेना चाहिए। कराची में भी दो कराचियों के एसोसिएशन बने हैं और शायद उससे शुरू हो गए हो, तो समझते हैं कि सबको मर्ज करना पहले अहमियत की अहमियत रखती बात जी। देखिए ये पाकिस्तान इज अ वेरी बिग कंट्री, ठीक है ना, लोग मिस्टेक होते हैं और आपके तकरीबन टोटल जो है वो 100+ डेलीगेट्स हैं, यूनिट्स हैं जो उनके पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, उनमें इकलामत हो सकते हैं। अगर आप फाइबर से कराची तक आएंगे तो शायद एक या दो जगह ऐसी है जिनमें से दैट मेक्स ओनली 1-1.5% या 1% लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन हम स्टार्ट आउट करेंगे, बाकी हमारे लिए बहुत अहम है। इंशाल्लाह ताला एमबीकेपी एक ऐसा हल तलाश करेंगे कि तमाम लोग हॉकी प्रमोशन के लिए काम करें, ना कि आपस में लड़ाई करें। ये तो मैंने अपना मेन एजेंडा आपको आगे बढ़ाया। मैं एक दफा फिर आप सबको शुक्रगुजार कि आप यहाँ पे आए, आपने मेरी तनकीद के लिए भी हाजिर हूँ और अगर कोई पाकिस्तान हॉकी अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करेंगे तो मैं वैसे ही हाजिर हूँ उस काम के लिए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो तनकीद आपका हक है, लेकिन आपको ये नजर आएगा कि आसिफ बाजवा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। मैं पीछे छुपने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सामने आके बात करने वाला आदमी हूँ और इंशाल्लाह आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी कि मीडिया के फोन नहीं उठाए जाते, मीडिया में मुझसे बात नहीं की जाती। और अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है कि हॉकी इनविजिबल हो गई है होगी। और सेकंड क्वेश्चन बहुत रिलीवेंट है कराची के हवाले से। कराची में आपको पता है कि खंजर की तरह दो एसोसिएशंस मौजूद हैं, एक एसोसिएशन के लोग आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो दूसरी एसोसिएशन जो है उसको कहाँ देखते हैं आप? और आपने कहा कि मिलकर लेके चलेंगे, तो मिलकर लेके चलने के लिए क्या प्लान है? और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये कि मीडिया के हवाले से आपने कहा कि मीडिया को साथ लेके चलेंगे, डेफिनेटली माजी में आपका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा रहा है मीडिया के साथ, लेकिन देखा ये जा रहा है कि मखसूस चेहरे आपके साथ चुमटे हुए हैं, तो बाकी मीडिया को किधर रखेंगे? देखें अगर तो मैं किसी के साथ चिपट गया हूँ तो दैट मेक अ क्वेश्चन, अगर आप लोग मेरे पास आते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ तो इसको चिमटना तो नहीं कह सकते ना, इसको तो आप कह सकते हैं कि इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ। ये तो बड़ा सिंपल सा है कि मैं अगर किसी को लेके जा रहा हूँ किसी को, ये समझ में आती है बात की यार मीडिया नहीं मैं चिपट गया हूँ किसी को, तो ये फेवरेटिज्म है। मेरे दरवाजे तमाम दोस्तों के लिए खुले हैं, मैंने ये कहा, मैंने कहा सुबह इंशाल्लाह ताला 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मेरा टेलीफोन हर मीडिया के बंदे के लिए खुला है, हर बंदा जो मुझे क्वेश्चन करेगा मैं उसको जवाबूँ, ठीक है। जहाँ तक आपने मेरी पोजीशन का कहा है, देखें मैंने फिर कहा है कि हर काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, गवर्नमेंट बॉडी है, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तमाम नजर आएगा कि आज एक अपॉइंटमेंट हुई है उसको वेट करेगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड को प्रिवेंट करता है कांग्रेस, वो हर चीज जो है वो टाइम पे आती है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हम 24 आवर के नोटिस पे भी इजलास करवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं कल जा रहा हूँ खोकर साहब के पास, पाकिस्तान कॉर्पोरेशन के पास, तो मेरा ख्याल नेक्स्ट वीक मिड वीक में हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इजलास करवा देंगे और ये सारी चीजें जो है वो क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पीएचए के हवाले से दो पीएचए हैं, एक पीएचए के ऑफिशियल आपके साथ बैठे हुए हैं तो दूसरी को कांगड़ा देखते हैं, कौन से ऑफिशियल है पीएचए? इस वक्त कितने पैसे हैं जब जब आपने चार्ज संभाला, ठीक है ये बताएं। और दूसरा आपने कहा कि मैं तमाम ओलंपियन को साथ लेकर चलूंगा, जो भी खिलाड़ी हैं एसोसिएशन से सबको साथ लेकर चलेंगे, सबकी बात भी मानेंगे, क्योंकि अगर सबकी बात मानेंगे सबको साथ लेकर चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका खुद का चलना, आपको मेरे ख्याल से कोई अपना एक सही रोल अदा करना होगा, जहाँ डंडे की जरूरत होगी जिसको उसको हिंडा भी मारना होगा और जिसको प्यार की जरूरत है प्यार, या सबको साथ लेके चलेंगे तो सबकी बात भी माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सबको साथ लेके चलने का ये मतलब नहीं होता कि आपने तमाम लोगों को कोई ओहदे दे दिए, साथ चलने का ये मतलब होता है कि आप देखें मैं ये समझता हूँ आपको एक अच्छा मशवरा भी दे देते हैं तो उसका साथ होता है, वो मीडिया के थ्रू आ जाए मुझे, वो पर्सनल कैपेसिटी में आ जाए,
अगर मुझे कोई ऐसी चीज क्लिक करती है किसी अपने रुपये की, तो वो मैं उसको एक साथ समझूंगा कि उन्होंने हमारा साथ दिया। तो साथ चलने की बहुत सारी कंडीशन होती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन से भी होगा। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने इन ओलंपियन की इज्जत कर दी, हमने बहुत एक दूसरे को पर्सनल लेवल तक आ सकते हैं, साथियात कर लिया। हॉकी पे तनकीद होनी चाहिए, हॉकी ना कराने पर तनकीद होनी चाहिए, हॉकी की परफॉर्मेंस पर होनी चाहिए, टीम सिलेक्शन पर तनकीद होनी चाहिए, टीम ने परफॉर्म किया अच्छा किया बुरा किया इस पर बात होनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मैं फ्रेंकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरा ख्याल 2 से 2.5 करोड़ रुपया खर्च करता साल, मेरे ख्याल में कम अज कम इजाफे साल का खर्च होता है, शायद ज़्यादा भी होते हैं। मैंने किसी आज तक टेस्ट क्रिकेटर को पैसों की बात करते नहीं, मैंने किसी ग्रुप को करप्शन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा कि फलाने बंदे भागे ऐसे हो गए। ये काम सिर्फ हॉकी फेडरेशन में होता है, मैं इसके खिलाफ हूँ। आपको कोई शिकायत है आप अदारों के पास चले जाएं, आप मीडिया में मत उठा दें। अदारे मौजूद हैं और अदारे काम करते हैं, पहले भी हुए हैं ये काम, आइंदा भी होते हैं। अदारों पे हमें एतमाद होना चाहिए, इससे सवाए बदनामी के पाकिस्तान हॉकी को आज कोई डिस्कस करना नहीं चाहता, पाकिस्तान हॉकी वालों के पास कोई जाना नहीं चाहता, उसकी वजह है कि लोग समझते हैं कि यार बहुत कर पड़े। तो ये भी एक हमारा टारगेट है कि इस चीज़ को हमने स्टॉप करना है, अपना के लिए हॉकी की बेहतरी के लिए काम करेंगे, अपने पर्सनल जो चीज़ें इनसे हम फायदे करें, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पूरी कोशिश करेगी कि हम इस चीज़ को खत्म करें और सब इकट्ठे मिले। दूसरा गलती का आपने क्वेश्चन किया है, तो इसमें इजाफा कर लेंगे, जब छोड़ दिए गए थे तब कितने थे पैसे? जब छोड़ दिए गए जब मेरे पास की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो करोड़ में थे, तकरीबन 14 करोड़ थे, लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो 7,85,000 रुपये अकाउंट में है, अकाउंट चल रहा है, अच्छा लग रहा है, इसमें इजाफा होगा और बेहतर हो जाएगा सारा काम। ये मुझे पता है बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा एक टास्क है।